आज हम बात करने वाले हैं पागलपन से भरे एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इम्पॉसिबल या फिर मैं ये नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी हाँ, जहाँ आजकल के बच्चे अपनी किताबों से जानकारियाँ लेने के बजाय इंटरनेट पर हर चीज़ों को सर्च करते हैं, उसने उन्हीं किताबों को पढ़कर सीखने और कुछ करने के जज्बे की वजह से दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में अपना नाम दर्ज कराया। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात करने वाले हैं दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क के बारे में। इनका मानना है कि प्रॉब्लम वास्तव में एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका एक उदाहरण मैं उनके बेटे के नाम से देना चाहूँगा। पिछले साल ट्विटर पे उन्होंने एक अनाउंस किया कि उनके बेटे का नाम XAEA12 मस्क है, जिसमें कुछ समय बाद खबर आई कि उनके नाम में संख्या होने के कारण कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने उनकी ये नाम की मंजूरी को स्वीकार किया ही नहीं। उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए उस 12 यानी 12 का जो अंक था उसे रोमन भाषा में लिखकर उसके नाम को बदल डाला और XAEAXII मस्क कर दिया, यानी कि उन्होंने 12 को रोमन भाषा में लिख डाला। हालांकि आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एलोन मस्क के पास अपनी खुद की कोई एक घर भी नहीं है। 2020 में जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कोई भी घर अपने पास नहीं रखेंगे, तो एक सोशल मीडिया यूज़र ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका मतलब बताया कि अगर आपके पास अपना कोई घर हो तो आप वहाँ पर बन जाते हो। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसे लौटकर वहीं आना होता है। लेकिन जब इंसान के पास खुद का घर हो ही ना, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी रह सकता है, है ना अजीब बात। हालांकि एलोन के पास 3 देशों की नागरिकता भी है। साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था, दूसरा कनाडा, क्योंकि उनकी माँ वहाँ से है, और तीसरा फिलहाल जहाँ वो अमेरिका में रहते हैं। एलोन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफ़ी लगाव था। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में एक बेसिक वीडियो गेम बना डाली, जिसे उन्होंने $500 में बेच डाली, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी मुश्किल काम माना जाता है। एलोन मस्क शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zipto नामक एक सिटी गाइड वेबसाइट नामक कंपनी बनाई, जिसे साल 2000 में कॉम्पैक ने Zipto को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलोन का हिस्सा $22 मिलियन मिला। वो चाहते तो इन पैसों के साथ काम छोड़कर अपने परिवार को एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ चला सकते थे और ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन उनकी असली ज़िंदगी की शुरुआत तो अब हुई थी। उन्होंने इस पैसे की मदद से X.com एक वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम के बाद पेपल के नाम से मार्केट में लॉन्च किया गया, जिसे 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। उनका सफ़र यहीं नहीं रुका और 2002 में ही $100 मिलियन के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नामक एक कंपनी की स्थापना की, जो आज स्पेस व्हीकल बनाने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। 2003 में एलोन ने एक ऐसी कंपनी का साथ दिया जो कारोबार संभाला, जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, और आज वो दुनिया की सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी के नाम से जानी जाती है। 2006 में उन्होंने अपने कज़न की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट की, जो आज टेस्ला के अंतर्गत ही काम करती है। और दिसंबर 2015 में एलोन ने एक ओपन AI नामक कंपनी खोली, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। एलोन का कहना है कि कंपनी का लक्ष्य विश्व और मान्यता को बदलने के दृष्टिकोण से चारों ओर घूमता है। उनका सफ़र यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने 2016 में न्यूरालिंक नामक एक कंपनी का कोफाउंडर बने, जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन ब्रेन से जोड़ने पर काम कर रही है, है ना कमाल की बात। यानी कि जिन चीज़ों को हम फिल्मों में अक्सर देखा करते थे, ये इंसान उन पर काम कर रहा है ताकि ये लोगों के जीवन को बदल सके। आज हम कहते हैं कि क्या कोई ये रॉकेट साइंस है? बहुत आसान है ये करना, मतलब रॉकेट साइंस को समझना काफ़ी कठिन है। उसने यह किताब पढ़ करके सिद्ध किया कि रॉकेट साइंस को भी समझना इस इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं था।
था। 2030 तक वो मानते हैं कि मंगल ग्रह पर उनकी कंपनीज की मदद से इंसानों को बसाया जा सकता है। यही सारी कारण है कि जो एलन मस्क को दी एलन मस्क बनाती है।